आप जवान हैं, सुनने में आ रहा है कि तागा साहब बूढ़े हो गए हैं, बाकी इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी तागा साहब ही क्यों? कैसे रहते हैं? ना रोड, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना मोबाइल नेटवर्क, ना स्कूल, ना हेल्थ फैसिलिटी। क्या टीचर आकर यहाँ पे बैठते नहीं है? या स्कूल में पढ़ने लायक यहाँ कोई छोटा बच्चा ही नहीं है? कल को दूसरा कैंडिडेट आएगा, फिर परसों दूसरा आएगा, सुनने में है कि 5 कैंडिडेट है आप लोगों का। सर ये क्या सिटिंग MLA तलम ताबो साहब का कमाल है, क्या है ये? क्या कहना चाहेंगे? रोड नहीं था इस गांव में तो बाकी विकास की बात छोड़ ही दीजिए। 5 साल आप पावर में नहीं थे, पातुम ब्रिज से लेकर रुंगोंग तक जब आते हैं, कैसा लगता है आपको? पार्टी का टिकट, मौजूदा सरकार का टिकट तो उनके ही हाथ में है, कुछ इस तरह का सुनने में आया। आपको कितना कॉन्फिडेंट है, अपने आप पे विश्वास है कि मंत्री पद में शायद तागा साहब को देख सकेंगे अरुणाचल प्रदेश में? बूढ़ा हो गए हैं आप लोग, इस तरह से कहते हैं आप बूढ़ा हो गए क्या? नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज फ्रीडम न्यूज अरुणाचल एक और बार अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में मौजूद 32 रुंगोंग विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और इस क्षेत्र के सबसे दूर दराज इलाका, सबसे रिमोटेस्ट विलेज एक गांव है जिसका नाम है योगोंग गांव, योगोंग में आए हुए हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं योगोंग गांव। और आप सभी को बता दूं, योगोंग गांव एक ऐसा गांव है जहां पे आने के लिए, जहां तक पहुंचने के लिए बाहर के लोग 10 बार सोचते थे। बाहर के लोग तो क्या है, जो इस गाँव से एक बार निकल जाते थे वे भी 15 साल 20 साल या 30 साल के बाद कुछ मजबूरी या कुछ इमरजेंसी काम हो तो ही इस गांव में आते थे। यहां पे पैदल चलना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था, बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके रुंगोंग से लेके आपको पैदल चलना पड़ता था, इतना तकलीफ दे गांव था, यहां पे सड़क नहीं था। लेकिन आज यहां पे हम गाड़ी में बैठकर आए हैं। जी हाँ, योगोंग गांव में हम गाड़ी में बैठकर आए हैं, इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 32 रुंगोंग विधानसभा क्षेत्र में जहां पे आदि कम्युनिटी, आदि जनसमुदाय बसते हैं, उन गांव में से सबसे दूर दराज गांव है योगोंग गांव, और इसका पड़ोसी एक और गांव है योसिंग गांव। योगोंग और योसिंग ये दोनों ही सबसे ज्यादा दूर वाला गांव है जहां तक अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं था। ठीक उसी तरह जिस तरह से 32 रुंगोंग विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही अगर बोरी कम्युनिटी की बात करें, जहाँ पे बोरी लोग रहते हैं, बोरी जनसमुदाय रहते हैं, वहाँ पे भी दो गांव हैं, गत और गसंग, जहाँ पे आज तक रोड एक सपने की तरह है। और जहाँ पे रोड ही नहीं है वहाँ दूसरे विकास की बात हम नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेबुनियाद होगा, बेकार होगा इन सब पर बात करना, क्योंकि रोड ही नहीं। लेकिन योगोंग में हम गाड़ी से आए हैं। आज देखा गया कि इस योगोंग गांव में पूर्व मंत्री और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव जो कि साल 2024 को होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सीनियर लीडर राज्य के तामियो तागा, उनके तरफ से एक बड़ा सम्मेलन सभा का आयोजन यहां पे किया गया। उनके समर्थकों द्वारा एक अपीलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पे योगोंग गांव के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, अपने समर्थकों से मुलाकात की, और यहां पे एक अच्छा खासा दिन आज तामियो तागा और उनके समर्थकों द्वारा योगोंग गांव में बिताया गया। योगोंग गांव में भी उनका स्वागत काफी जोरों शोरों से पोनू पार्टी वगैरह के साथ किया गया था। काफी छोटा गाँव है, 25 से 28 के लगभग यहाँ पे घर है, काफी लोग बाहर जा चुके हैं, बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ बड़े बुजुर्ग जितने भी यहाँ पे लोग आज के दिन मौजूद थे इस गाँव में, वे सब आज यहाँ पे थे और आप जैसे कि तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं आज के इस योगोंग गांव के इस कार्यक्रम के अंदर, थोड़ी बहुत झलकियां दिखाते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम हुआ, उसके बाद यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ युवाओं से बात करेंगे और स्थानीय लोगों से बात करेंगे, समर्थकों से बात करेंगे, और आखिर में जो उम्मीदवार है, पूर्व मंत्री है, इलाके के पूर्व विधायक रह चुके हैं तामियो तागा, उनका भी क्या कुछ कहना है, किस तरह से 32 रुंगोंग को इस बार देख रहे हैं, हम दिखाएंगे सुनाएंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। अरे अरे बोले कि अरे
Introduction
गाड़े यो हम को बिरला नाम है बिरला भी नाम है दारो में नाम कम है अब जमलोई नाम कम ना नियम जो आला ना नियम हो सलाम से तं बितो नो इन गरीला तो मेरे को नो दिलो लगा है गुमन है नाम कांगाले लादो ने कुत्ते ने नाम का कांगाले का नक आले ने लो दम अन्नं काला माय गुमन है नाम आके नम मोलामिका इरापम नम रिसेप्शन नाम लगा आमी आके को किरुम नाम है किरुम दोनी को पांता देखो अमुला असेना नमुई मुई तहिलां का मीजी के कुइन गलां का मीने इरां कुने लगा। तो दर्शकों जब योगोंग गांव में आए हैं और इस तरह के दूर दराज गांव में आए हैं, योगोंग की स्थिति मैंने आपको बता दी, ऐसे में बेहद जरूरी है कि सबसे पहले हमें गांव के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। ऐसे में योगोंग गांव के ही एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम तक्यक तगु एक्स एम योगोंग। इस गांव के एक्स एएसएम आप रह चुके हैं। सर किस तरह का माहौल है योगोंग गांव के लोग कैसे रहते हैं? ना रोड, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना मोबाइल नेटवर्क, ना स्कूल, ना हेल्थ फैसिलिटी, क्या क्या कुछ है? अभी तो रोड जैसे तैसे करके पहुंचा है, वो भी बारिश में शायद आने लायक नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक होगा, टाइम लगेगा। किस तरह से रहते थे दुनिया को बताइए सर। हाँ, मैं सबसे पहले मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये बस्ती का एक लीडर का नाते मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा ये बस्ती में पहले बहुत रास्ता भी नहीं था और हम लोग पैदल से चलता था, बीमारी को हम लोग कंधे ये में माता में बुक के चलता था, इतना बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन ये जब से तक सर मिनिस्टर था उनका तो उसी समय में ये रास्ता को दिया था, तो अभी प्रेजेंटली हमारा तालेम ताबोजी ने ये चला रहा है। फिर भी ये रास्ता जो है तगा साहब का लाया हुआ है, ये मैं सपोर्ट करता हूँ, असली उसका लाया हुआ ये है। और मेरा बस्ती में हमारा एक बहुत बीमार है, यहाँ जे एम का ये एक प्रोविजन था वाटर सप्लाई का, तो हाँ जल जीवन का तो प्रोविजन था। ये वाटर सप्लाई को सुनने में गवर्नमेंट बोला है कि बहुत अच्छा तरह और गवर्नमेंट देगा बोल के, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्टर लोग क्या ना ये एजेंसी का ये लेक से हुआ है और ये डेवलपमेंट हम जो देखा है गौर में एक प्लेटफॉर्म बनाए वो भी सब चला गया और जो अभी पानी तान रहा है जहाँ से लिया ये भी अभी तो कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये बस्ती का तरफ से यही मेरा एक बहुत दुख का बात है, अभी तक हम लोग जल जीवन का पानी नहीं मिल पाया है। तो एक ये बहुत दुखी का बात है कि हमारा बस्ती से तो बीमारी लोगों को हम लोग मेडिकल ले जाने के लिए इमरजेंसी में या जल्दी जाने के लिए एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें यहाँ मैं गवर्नमेंट से और लीडर से ये एक अनुरोध करना चाहूँगा एक मेडिकल सब सेंटर यहाँ में एक रखने से बहुत ठीक है। और मैं और ये और से और बस्ती वालों से ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ में नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क ये भी मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा बस्ती की तरफ से, तो जल्द से जल्द यहाँ एक नेटवर्क का एक टावर बेतने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग कहीं भी कनेक्शन कर सके। और भी एक बीमारी बहुत बात है कि तगा साहब का जब से वो MLA था, वो बना था मिनिस्टर था, उसी समय में वो एक जो है ये सोलर लाइट प्रोविजन दिया था, वो अभी तो कोई चल रहा है, अभी तो कोई तो डैम हो गया, तो ये अभी सब अंधेरा में हूँ। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से भी बहुत ये अपील करके भी देखा है और हम लोग ये मेमोरेंडम भी दे चुका है और हम लोग ई से भी इलेक्ट्रिक ई से भी बात करके देखा हो, आज तक तो हम लोग का इलेक्ट्रिक नहीं कर पाया है। तो गवर्नमेंट से और भी ये भी अपील है, हो सके तो जल्दी से जल्द हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर दीजिए, ये मैं बहुत मेरा बस्ती से बहुत इम्पोर्टेंट है और यही है जी। सर सुनने में है कि आपका स्कूल बंद पड़ा हुआ है, स्कूल सर रहा है, क्या टीचर आकर यहाँ पे बैठते नहीं है, या स्कूल में पढ़ने लायक यहाँ कोई छोटा बच्चा ही नहीं है, या टीचर आके अगर यहाँ पे रहेंगे तो बच्चे हैं पढ़ने के लिए? यह मैं सच बात कहना चाहूँगा, टीचर तो था, हाँ हम लोग भी कमिटी में था, मैनेजिंग कमिटी में, तो हम लोग बहुत बात किया था ये स्कूल को दिपांग नहीं होने के लिए, जिन लोगों का घर का पास में बच्चा है उन लोग भाई बाहर में मौत भेजो, यहाँ रेगुलर टीचर को पोस्टिंग करने दो, पुराने दो, ताकि बस्ती में स्कूल रहेगा। तो होते होते हम लोग इतना रिक्वेस्ट करते करते लेकिन ये चीज़ को हो नहीं पाया, क्योंकि आजकल बाहर में या जानकारी जगह में या पब्लिक स्कूल में कोई सबका अपना बेटा भाई या को बेटा बेटी को पुराना चाहता हूँ, इसलिए वो उन लोग सबको बेटा भेज दिया। तो यहाँ में
कोई पुराने वाला ये लड़का पढ़ने वाला कोई नहीं था, बच्चा बच्ची ना, तो इसी वजह से होते होते तीसर भी यहाँ पोस्टिंग किया था। वो तीसर का गलती नहीं है, मैं ये बात कहता हूँ। तो तीसर तो आके भी रुका था, लेकिन बच्चा का कम होने का नाते पढ़ाई का ये का, अभी ये स्कूल बहुत दिन से रहा था दीपांग नहीं होके, हम लोग भी कंट्रोल करते करते लेके आओ वापस को बोल के भी थक गया कमिटी का तरफ से, तो इसी दौरान से दीपांग हो गया। हमारे यूथ भी देखकर इंस्पायर हो, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे से भी पढ़ाई लिखाई अगर मेहनत करे तो बड़ा अफसर भी बनते हैं। कोई कोई बना है सर? हाँ, यहाँ से कोई कोई बना है, डीसी तो बना हुआ है, तो कोई लोग अभी भी एजुकेशन में भी है, बाहर में भी है, सब कोई लोग है। और सर अभी देखने में है कि आज आप लोगों ने योगों गांव जो है तागा साहब का स्वागत किया, पोनू पार्टी रहे ढेरे में आप लोग थे, कल को दूसरा कैंडिडेट आएगा, फिर परसों दूसरा आएगा, सुनने में है कि 5 कैंडिडेट है आप लोगों का, तो क्या आप लोग सभी का वेलकम इसी तरह से करने वाले हैं, और तागा साहब के लिए आपका क्या कुछ दिल में है? हाँ, मैं पहले यही कहना चाहूँगा, तागा साहब तो पहले भी MLA होके भी डेवलप था, कोई भी कुछ भी किया है, ये तो नाम नहीं बोलने से बहुत है कुछ कुछ थोड़ा ना, और ये भी रास्ता को भी तो तागा सर का प्रोविजन से आया हुआ है, और इसके बारे में भी हम लोग बस्ती वालों ने उसको इनवाइट करने के लिए चाहता था, लेकिन बस्ती का कम का वजह से तो हम लोग ये कर नहीं पाया है, फिर भी आज ये इंट्रैक्शन प्रोग्राम में वो तो आए हुए हैं, तो इसका तो वो तो एक अच्छा लीडर है। यह हम लोग सबको मीटिंग में भी पहले से फैसला हुआ है, जो भी कोई आने से भी हम लोग एक ही साथ में तागा सर को आप जैसा जैसे हम लोग ने रिसेप्शन किया है सब मिल के हम लोग करता है, कोई किसी को हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लीडर वो काल को आने वाला पड़चू को आने जो भी लीडर हो जो भी नेता बनने का चाहता हो वो लोग मेरे लिए है, तो इसीलिए हम लोग कोऑपरेट करके करते हैं। हाँ जी, ये अलग बात है कि वो लास्ट बुटिंग देखो चपरत हो सकता है, लेकिन आज तो ये हम लोग नहीं चलेगा, ये हम लोग कोऑपरेट करते रहेगा। थैंक यू सो मच सर मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और ये बताइएगा कि आज का जो योगों गाँव में ये जो अपील का कार्यक्रम सम्मेलन आप लोगों ने रखा, ये कितना हद तक सक्सेस रहा, क्या कुछ कहना है आप? मेरा नाम कालिंगा है ना, आज का ये प्रोग्राम का चेयरमैन भी है मैं, और आज देखा है तो ये फॉर्मर मिनिस्टर थाम्योता का अपील तो अपना बैनर में लिखा था, ये सब पूरा एंटर योगोंग विलेज का जो पब्लिक का डिमांड है, इलिट्स का डिमांड था, तो आज देखा है आप कुछ यहाँ में मीडिया कवरेज करने आए, आपको मेरा तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। आप देखिए ये आज योगोंग का पब्लिक इतना दूर दूर से, कोई कोई ईटानगर में, कोई फांसीगर में, ऐसे आदमी भी सब आ गया, ये ट्रांसपोर्टेशन अभी हमारा फॉर्मर मिनिस्टर तामियो तागा जी ने जोड़ दिया, यहाँ का एंसेस्टर से पुरना जमाना बुरा बुराई बुरी बुजुर्ग ये सब का लॉन्ग डिमांड पेंडिंग था, तो उन लोग का अभी जो ड्रीम जो है सपना जो पूरा पूरी हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर तामियो तागा जी ने पूरा कर दिया उनका डिमांड को। अगर ये बार इलेक्शन जीत के जाएगा तो इसका और ऑप्शन क्या होगा, उनका भी योगों का पब्लिक आज पूरा डिमांड किया है। सर 32 रूम में तो पूरा धराधर कैंपेनिंग वगैरह शुरू हो चुका है, देखने में आ रहा है, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, किस तरह का माहौल है, रिएक्शन ओवरऑल 32 रूमों का किस तरह का पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है इस बार, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, अभी जितना यहाँ का उम्मीदवार कैंडिडेट, बहुत सारा उम्मीदवार कैंडिडेट है, यहाँ अभी 5 उम्मीदवार कैंडिडेट है, हमको तो ये नहीं लगता है कि वो लोग जितना भी उम्मीदवार कैंडिडेट है ग्राउंड रियलिटी को एक्सरसाइज करके लीडर बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। ये देखिए पब्लिक का जो मैंडेट में जो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर तामियो तागा जी ने पब्लिक को क्या आगे लेके जाना है, क्या नहीं करना है, तामियो तागा के पास आइडिया है, और तामियो तागा ऐसे लीडर है, 8 times कंटिन्यू कंटेस्ट किया है बोलने से, उसके लिए अभी तक तो कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम भी आज का जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन होके भी हम खुद उनको तारीफ करता है, लीडर ऐसे तामियोता का जैसा ही लीडर होना चाहिए एरिया में। मेरा नाम तनोंग मुझे है, और उसके बाद मैं जब मैं वो तागा साहब जो मिनिस्टर थे उस समय में मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी था। अच्छा। अभी फिलहाल तो अभी किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी किया हूँ मैं। अच्छा। और स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी था मैं। अच्छा। और उसके बाद में अभी पॉलिटिक्स में रहकर अभी इतना तो तागा साहब के साथ में ही हूँ, जब से तागा साहब उठा है उनके साथ में हूं। अच्छा, काफी लंबे समय से आप तागा साहब के साथ ही है। अभी सुनने में आ रहा है कि आपके 32 रूमों में लगभग 4 या 5 ऑप्शन है आप लोगों के पास। जी। आप इतने समय लंबे समय से तागा साहब के साथ है, 2024 के लिए भी आप तैयार है तागा साहब के लिए, बाकी इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी तागा साहब ही क्यों? तागा साहब देखिए, तागा साहब सबसे हमारा मेरा मुताबिक से तागा साहब सबसे बेस्ट आदमी है,
और ना उसको कोई लालच है ना कुछ है, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में बोला जाए तो वो सबसे बढ़िया काम किया है। और जब से उठा हूँ इनके लिए मैं उनको उनके साथ में 1984 से जब से शुरू हुआ उनके साथ में मैं उनके साथ में हूँ, क्योंकि वो अच्छा काम करता है और उनके दिल में कुछ भेदभावना ये कुछ नहीं है, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बढ़िया लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ। और इनके लिए मैं उनके साथ में है, हमेशा उनके साथ रहता हूँ और आने वाला में भी उनके साथ में रहूँगा और बाद में फिर उत्तर भी उनके साथ में ही रहूँगा। मौजूदा विधायक का तो कहना है कि उन्होंने 32 लोगों के लिए काफी कुछ काम किया है और अभी आगे करना काफी उनका सपना है, काफी कुछ बाकी है। नहीं, अभी देखिए जितना भी पहले जितना भी तगा साहब कर गए हैं वही काम चल रहा है। अभी तो पहले जितना भी देखिए अभी जो लेकर आया वो भी नहीं कर पाया है। अभी देखिए आपका ये काइंग वाला, अभी काइंग वाला में जो आपका जो टाउन प्लानिंग का जो चर्चा चल रहा है, टाउन प्लानिंग में 15 करोड़ था, वो भी उन क्या क्या हुआ पता नहीं, तू तू मैं कर याद चला गया पैसा। और उनके बाद में आपका ये जो है वह बोंगनेतु आपका ये क्या बोलना, अभी ये रोड भी करीबन इतना करोड़ पैसा लेकर आया था, वो भी कंट्रोवर्सी में चला गया। आपको यकीन है कि अगर तगा साहब आएंगे तो वापस इनको दुरुस्त कर पाएंगे? बोलेंगे हम लोग तगा साहब को, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो जो किसी भी हालत में लाकर करना है, और ये हम लोग का लाइफलाइन, एक लाइफलाइन बनता है, क्योंकि ये अगर बोंगने से काइंग वाला के लिए, पायुम वाला के लिए अगर ये बोंगने रास्ता बनता है तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। हम लोग काइंग से डायरेक्ट यहाँ रुमगोंग हेडक्वार्टर में पहुंच सकते हैं, और हेडक्वार्टर से फिर ये क्या बोल रहा है एडीसी हेडक्वार्टर में पहुंच सकता है, और एडीसी हेडक्वार्टर से फिर बोलेंग लीवर होकर हम लोग फिर बोलेंग हेडक्वार्टर में पहुंच सकता है, डीसी हेडक्वार्टर में। कि योगोंग में तो अभी फिलहाल रोड पहुंच रहा है जैसे तैसे, आगे जाके ठीक दुरुस्त भी हो जाएगा। योसिंग का क्या हाल हो सकता है? योसिंग को टारगेट किया था, टारगेट कर और उसका बाद में प्रपोजल ये सब भी दिया था, लेकिन पब्लिक लोग उनको हरा दिया तो वो कुछ नहीं कर पा रहा अभी। और जो अभी का फिलहाल अभी का विधायक जो है उनको करना चाहिए, अभी वो भी समय निकल रहा है, अभी तो अभी इलेक्शन का चर्चा हो रहा है, अभी तो इलेक्शन तो आ ही रहा है, तो कब करेंगे? तो हमारा यही कहना है तगा साहब अगर दोबारा फिर पब्लिक का द्वारा, और हम लोग जब जितना पब्लिक का द्वारा अगर आता भी है, सबसे पहले पायुम सर्कल को रोड के लिए हम लोग जितना वर्कर्स है बोलना है, नंबर वन। नंबर टू योसिंग के लिए बोलना है, और उसके बाद में नंबर थ्री आपका ये जो जो क्या बोलता है बोंगने से काइंग से लेकर बोंगने से लेकर मोलोंग, तो ये कनेक्शन को बोलना है। तो स्कीम तो लेकर आया था वो तो चला गया, फिर दोबारा उसको अगर आता भी है, विधायक बनकर आता भी है, तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये मेरा योगोंग गांव में आखिरी इंटरव्यू होगा, इसके बाद सीधे हम बात करेंगे तगा साहब, उनसे बातचीत करेंगे। तो यूथ नजर आ रहे हैं, ये चारों यूथ है, और यूथ से ही पूछते हैं जो कि आज इस सम्मेलन में है। आप जवान हैं, सुनने में आ रहा है कि तगा साहब बूढ़े हो गए हैं। थैंक यू प्रीतम न्यूज। तो मैं ये कहना चाहूंगा, लोग कह रहे हैं कि वो बूढ़े पर गए हैं, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एमएलए पोस्ट जो है क्या किसी शिकारी के लिए बना है या किसी रनर के लिए बना है जो आपका ये मैराथन रोज दौड़ेंगे या फिर जंगल में जाके किसी को हंट करने के लिए किसी जानवर का पीछा करेंगे? एमएलए पोस्ट जो है इसीलिए है कि वो कुछ स्कीम लाए, लोगों के भलाई के लिए काम करे, उनको सेंक्शन करा के वहाँ से लाए, वो है उनका काम है, ना कि कोई रैली में पार्टिसिपेट करना, ना कि किसी जानवर के पीछे भागना। ये एक कैंडिडेट का काम नहीं है। तो जो है एमएलए जो है उनको बुरा पड़ गए बोलने वाले लोग के लिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा, और वो बुरे नहीं पड़े हुए, उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस है उनको हमारे 32 का पब्लिक जो है यूटिलाइज करना चाहिए। उनको पता है स्कीम किस तरह से लाया जाता है, किस तरह से उसको सेंक्शन कराया जाता है, किस वे में उनको पुता करके किस वे में आगे दिल्ली वगैरह वहाँ ले जाना है, कैसे करके उसको सेंक्शन करा के लाने, उनका वेल एक्सपीरियंस है। तो हमारे 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक को ये करना चाहिए कि उनका जैसा एक त्यागी नेता जो अपना आधा लाइफ जो है 100% रोड कनेक्टिविटी को लेके ये सब करके पूरा हमारा 32 रुमगोंग में सब जगह रोड पहुँचा ही चुका है, वो उनका एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए हमें उन्हें दोबारा आगामी चुनाव में चांस देना चाहिए, ना कि उन्हें ये कहना कि वो बुरे पड़ गए।
सर साल 2019 में सर आप किसके साथ? एब्सोल्युटली मैं तो तागा साहब का एक एक्सट्रीम वर्कर हूँ, उनके साथ ही रहूंगा। तो आपने 5 साल पूरा देखा, हार देखा है तागा साहब के साथ और 5 साल आप लोग ऐसे रहे, इस 5 साल में आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? कुछ चेंजेस आया है 32 रुंगोंग में या बहुत कुछ आ सकता था या नहीं आया? नहीं, मेरा कहने का देखने का मुताबिक से तो जितना आया था तागा साहब जो सीआरएफ में जितना ये फंड लेके आया था उनको भी उन्होंने काम तो होने नहीं दिया, पैसा वापस चला गया। एक लीडर का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स मीन फॉर पब्लिक ऑफ द 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उनको ये करना चाहिए, चाहे स्कीम कोई भी सेंक्शन करके लाए पर अगर वो काम जमीनी तौर पे होता है तो वो 32 पब्लिक का भलाई के लिए होता है। तो उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैंने अगर ये स्कीम को कॉन्ट्रेक्टर में कंफ्यूज ना हो और ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्मूथली चलने दें, ताकि इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोगों का भलाई है। अगर वो पैसा यूटिलाइज होता भी है तो हमारा आदमी लोग उसमें चलेंगे, हमारा आदमी का गाड़ी चलेंगे, हमारा आदमी का बिजनेस चलेगा। ये नहीं कि आया कॉन्ट्रेक्टर के चक्कर में सब कुछ करके सब वैसे सीआरएफ फंड है, ये सब एक स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं होता है तो ये फंड बस रिवर्स हो जाते हैं। तो उनको ये करना चाहिए एक विधायक होने के नाते कि सब काम को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो फंड कोई भी लेके आया हो, पब्लिक के भलाई के लिए काम को करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए, थैंक यू। और इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री और इलाके के अरुणाचल प्रदेश के सीनियर लीडर तामियो तागा जी। सर से बात करते हैं और आप सभी को यह भी बता दूं कि आज से ठीक 8 या 9 साल पहले मैं इस गांव में आ चुका था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस गांव में दोबारा आऊंगा, वो भी गाड़ी में बैठकर। तागा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में। आज योगोंग गांव में गाड़ी में बैठकर हम आए हैं। सर ये क्या सिटिंग एमएलए तालम ताबो साहब का कमाल है, क्या है ये, क्या कहना चाहेंगे? ये जो रास्ता है वो 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर में मेरा तरफ से सेंक्शन हुआ था। ये सेंट्रल स्कीम है, सीआरएफ का है, तो सेंट्रल रोड प्लान का है। तो उस समय ये दिल्ली से सेंक्शन आ गया, फिर अरुणाचल में फाइनेंस डिपार्टमेंट में कम से कम फाइनेंस कॉन्फ्रेंस देने में 8 मंथ्स लग गया, तो इससे काम जल्दी शुरू नहीं हुआ। तो उसमें जब फाइनेंस कॉन्फ्रेंस दिया तो ये एनआईटी के लिए एक्टिविटी शुरू हुआ। तो एनआईटी के लिए जब एक्टिविटी शुरू हुआ तब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ गया ये 2019 का। तो उसमें ये टेंडर नहीं हो सका, फिर भी हम यही सोचा था कि मेरा टारगेट था ये सबसे एक रुमगोंग सर्कल में मोस्ट इंटीरियर विलेज है योगोंग, उसका रास्ता कनेक्शन मोटरेबल रास्ता कनेक्शन होना ही है। तो सेंट्रल स्कीम आगे मेहनत करके लाया, तो इलेक्शन का बाद रास्ता को बनाएगा यही सोचा था, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट उल्टा ही हो गया, इलेक्शन में हार गया। तो ये बाद में अंदर अभी का जो एमएलए है वो उसका समय में ये टेंडर सेंटर सब होके अभी कॉन्ट्रेक्टर को अलॉटमेंट करके काम अभी जो परमिशन कटिंग योगोंग बस्ती तक हो गया है। आप रोड का सपना अगर आपने देखा होगा तो रोड से जुड़ी कई सारे सपने और भी देखे होंगे, क्या ये रोड अभी जिस तरह से बन रहा है, जिस तरह का कटिंग चल रहा है, जैसा काम हो रहा है, आपके सपने को पूरा कर पा रहा है, आप खुश है, क्या कहना चाहेंगे? रोड तो अलाइनमेंट जो है ओरिजिनल जो ये सर्वे अलाइनमेंट जो है उसमें रोड कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ। अच्छा। तो इसलिए ग्रेडियंट भी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन मेरा सपना था योगोंग ऑलमोस्ट डिजर्टेड विलेज हो चुका है। यहाँ ये जितना यूथ है
लड़का बच्चा जो जितना यूथ है वो बस्ती में रहता नहीं है, वो टाउन में है, रुमगोंग में है, कहीं कहीं है, बस्ती में दो बुरा बुरी है, तो ऐसे है। ये सिचुएशन को एवॉइड करने के लिए मैं यहाँ में रोड को जोड़ दिया, रोड कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि जो बाहर में है योगों रहना नहीं चाहता है बिकॉज ऑफ ये कम्युनिकेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ स्कूल भी बंद हो गया है क्योंकि स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट तो बाहर में पढ़ता है। तो ये सब एवॉइड करने के लिए मैंने ये रोड कम्युनिकेशन को जोड़ दिया था और अभी रोड आ गया है। ये रोड 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज में ये परमिशन कटिंग होना है, सेकेंड स्टेजेस में ये ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज और ये सोलिंग मेटलिंग कंप्लीट होना है, थर्ड स्टेजेस में ये टारकोलिंग ब्लैक टॉपिंग होना है, तो वो कंप्लीट स्टेज है। तो ये पान रिलीज भी 3 स्टेजेस में होगा ये रोड का ओरिजिनल सेंक्शन का हिसाब से। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, शायद अभी नेक्स्ट आने वाला इलेक्शन में मैं MLA होके वापस आएगा तब ये रोड कंप्लीट होगा। सर तागा साहब, मैं वही पे आ रहा था, अभी 5 साल आप पावर में नहीं थे, आपने रेस्ट किया, आपने सब चीज को गौर से देखा, क्या क्या 32 रूमों के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि आपके समय में आप ये करना चाहिए था या ये करना बाकी है, इसे इस तरह से कर सकते हैं। अभी आप जब साल 2024 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए वापस आप लौट कर आ रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अभी क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, अगर आप MLA विधायक बनकर आते हैं अपने 32 रूमों में क्या कुछ करना चाहेंगे, किस किस तरह का मैनिफेस्टो आपके साथ? मैनिफेस्टो तो मैं एक पार्टी का टिकट लेके MLA कॉन्टेस्ट करेगा, तो पार्टी टिकट जो भी होता है उसका कोई पर्सनल मैनिफेस्टो होता नहीं है, पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। लेकिन एज इंडिविजुअली एरिया के लिए पर्टिकुलर एरिया को तो मैनिफेस्टो में जनरली मेंशन होता नहीं है, तो इस एरिया के लिए जो है वो एवरी विलेज में रोड कंस्ट्रक्शन होना है, रोड कम्युनिकेशन होना है, उसमें मैं कम्प्लीटली उसमें ध्यान देगा। और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन 32 में एक ऐसे सर्कुल है पायुम सर्कुल, जो सर्कुल हेडक्वार्टर पायुम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुल हेडक्वार्टर, वो अभी भी आज तक रोड कम्युनिकेशन से वो कनेक्टेड नहीं है। उस एरिया को हम बहुत जोर देगा और रोड कम्युनिकेशन उसमें हम जरूर कनेक्शन करेगा। और यहाँ 32 ये रुमगोंग सर्कुल में, जमलोमोबुक सर्कुल में या कायिंग सर्कुल में जितना भी विलेजेस है अनकनेक्टेड विलेजेस, उसको रोड कम्युनिकेशन से 100% जुड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग हॉर्टिकल्चर में जोर देना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जोर देना पड़ेगा। और हॉर्टिकल्चर में सिर्फ ऑरेंज और ये कार्डामम ये सब सिर्फ नहीं है, इस सेक्टर में हम लोग ये टी प्लांटेशन, स्मॉल फार्मर्स जो टी प्लांटेशन है वो भी ऑर्गेनिक फार्मर्स, ऑर्गेनिक टी कल्टिवेशन, उसको भी जोर देना पड़ेगा। तो वो सब में लाइफ है, वो सब में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये सब हम जोर देगा।
जी दर्शकों, आपको बता दूं, तागा साहब ने जो अभी अभी पायुम सर्कल का मेंशन किया, 32 रुंगोंग कंस्टिट्यूएंसी के अंदर सबसे दूर दराज इलाका, अगर जहां पे आदि कम्युनिटी लोग रहते हैं, ये गांव है योगोंग है और एक गांव है योसिंग, और वही 32 रुंगोंग विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आने वाले जहां पे बोरी कम्युनिटी रहते हैं वो है एंटायर पायुम सर्कल, और पायुम सर्कल में है इसी तरह का दो गाँव है बहुत ही दूर दराज इलाका गत और गसंग, उस इलाके का जिक्र अभी अभी तागा साहब ने किया। तागा साहब, ये तो हो गया फार फ्लंग रिमोटेस्ट विलेज का, आलो आप आलो में भी रहते हैं, आलो में आपका घर है, आलो से आप रुंगोंग आते हैं, पतुम ब्रिज से लेके रुंगोंग तक जब आते हैं, कैसा लगता है आपको? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, पतुम से रुंगोंग रोड तो पहले से बनाया हुआ है लेकिन ये रोड अभी मेंटेनेंस में नहीं है, इसलिए उसमें कहाँ से गाड़ी जाएगा दिखाई नहीं देता है, गाड़ी बहुत मुश्किल है, कम से कम इसको तो अच्छा से मेंटेनेंस होना चाहिए, और डिपार्टमेंट भी देखना है, और जो ऑनरेबल एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उसका ध्यान भी, ये तो रुंगोंग का लाइफ लाइन है, रुंगोंग सर्कुल का, रुंगोंग डिवीजन चाप डिवीजन का लाइफ लाइन है, वो रोड ही ऐसे अनमेंटेनेंस, उसमें पोर्ट होल है, सब है, गाड़ी चलने नहीं सकता है, आलोंग से एक बार रुंगोंग में गाड़ी से आने से वो गाड़ी बेकार हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में है, तो इसको तो हम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, और पब्लिक भी उसको ठीक नहीं लगेगा, और ये रोड तो मेंटेन होना चाहिए, मेंटेनेंस में ध्यान देना चाहिए, तो ये मैं जब दोबारा एमएलए बनूंगा ये सब में हम बहुत अच्छा से मेंटेन करेगा, ठीक करेगा। सर, मौजूदा विधायक जो प्रेजेंट एमएलए हैं उनको हाल ही में ये बोलते हुए पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सुना गया था कि पार्टी का टिकट, मौजूदा सरकार का टिकट तो उनके ही हाथ में है, कुछ इस तरह का सुनने में आया था। वो पार्टी को ठीक से समझता नहीं है, जानता नहीं है पार्टी का फंक्शन, बीजेपी का पार्टी का फंक्शन वो जानता नहीं है, समझता नहीं है, बीजेपी पार्टी का जो सिस्टम है वो टिकट किसी का हाथ में नहीं है, वो टिकट मिलता है जो ग्राउंड में ठीक है, जो जीतने वाला है, और जो बीजेपी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करता है, मानता है, उसको टिकट मिलता है, और टिकट ऐसे देता नहीं है, और उसको असेसमेंट करता है, उसको ग्राउंड रिपोर्ट करने वाला है, बहुत सोर्सेस है, गवर्नमेंट का भी सोर्सेस है, पार्टी का अपना सोर्स है, और आधार सोर्सेस है, वो सब करके पार्टी टिकट देता है कि हम एमएलए बन के पार्टी में ज्वाइन हो गया, वो हमारा टिकट रिजर्व है, ऐसे होता नहीं है, तो इसलिए ये पार्टी फंक्शन को नहीं जानने के लिए वो ऐसे बोलता है, लेकिन पार्टी का टिकट बीजेपी का कोई भी नहीं बोलता है 100% हमारा है, वो जीतने वाला को देता है, तो इसलिए अभी जो ग्राउंड में जिस तरह से पब्लिक सपोर्ट मेरा ऊपर है तो ये हम नहीं है, पब्लिक ही तो टिकट दिलाएगा ना, सपोर्टर ही तो टिकट दिलाएगा ना, यही सिस्टम है। सर, पब्लिक में देखा गया कि अगर तागा साहब आते हैं तो मंत्री पद का बहुत ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंट है, अपने आप पे विश्वास है कि मंत्री पद में शायद तागा साहब को देख सकेंगे अरुणाचल प्रदेश में? हाँ, वो तो डिपेंड करता है बीजेपी पावर में आने से, स्टेट में बीजेपी पावर में आने से तो हम एमएलए बनने से हमसे सीनियर वाला वहाँ में कोई लेजिस्लेचर तो नहीं होगा, जो पावरफुल है, जो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर है, जो ऑनरेबल सीएम है, डेप्यूटी सीएम है, उनका पोजीशन अलग है, तो उनका पोजीशन वो अलग होता है, लेकिन एमएलए जो है मंत्री बनना है वो सीनियरिटी में भी काउंट होता है, और जो एक बार ये मिनिस्टर बन चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर बन चुका है, उसका कोई एडवांस रिकॉर्ड नहीं है, तो नेचुरली पर्स उसको ही कंसीडर होता है,
तो इस हिसाब से तो मेरा ये यहाँ में बीजेपी गवर्नमेंट होने से, मैं एमएलए बन के आने से, मेरा मिनिस्टर बनना तो लगभग सर्टेन होता है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों देखा जा रहा है एक ट्रेंड चल रहा है जो 40 से 50 वर्ष के जो कैंडिडेट नए नए आ रहे हैं, आप जैसे सीनियर लीडर्स काफी सारे लीडर को बूढ़ा हो गए हैं आप लोग, इस तरह से कहते हैं आप बूढ़ा हो गए क्या? क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ उम्र से कुछ काम होता है, क्या कुछ कहना चाहिए? आप बूढ़ा हो गए सर? नहीं, जो चलने फिरने नहीं सकता है तो वो बूढ़ा हो गया, जो चलने फिरने से आना जाना कर सकता है, घूम सकता है, एक्टिव लाइफ है, अभी वो कैसे मानेगा वो बूढ़ा है? तो लेजिस्लेचर एमएलए बनने के लिए तो 100 मीटर रेस के लिए नहीं है, वो रिले रेस के लिए नहीं है और मैराथन रेस के लिए नहीं है, वो तो एमएलए का काम है पब्लिक ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट में ले जाना, वहाँ से डेवलपमेंट स्कीम निकालना, गवर्नमेंट से ठीक से बात करना, गवर्नमेंट को कन्विंस करना, वही एमएलए का काम है। उसमें ये हम लोग ही मशहूर है, लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, हम लोग एक्सपीरियंस भी है और उसमें ये हम लोग का जो नॉलेज है, जो लाइफ में एमएलए भी बन के देखा है और मिनिस्टर भी बन के देखा है, तो ये सब एक्सपीरियंस कैसे होने से फेल होता है, कैसे होने से रुक जाता है, कैसे होने से ये जल्दी स्कीम सेंक्शन होता है, ये सब अभी हम लोग को मालूम है, तो हमारा एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहिए। तो यही है कि अभी तो हम एक्सेम नहीं है, हम लोग बुरा है, हम लोग काम नहीं कर सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। जी तागा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना वक्त देने के लिए, एंड गुड लक। थैंक यू। थैंक यू।